हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 एसएसटी जो है हमारी, उसकी सिविक्स वाला जो पार्ट होता है उसका चैप्टर 5 जुडिशरी। तो जुडिशरी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मूवीज़ देखते हैं बहुत सारी, मैक्सिमम मूवीज़ में जो है जुडिशरी के बारे में आता ही है। जॉली LLB में तो पूरा उसी के बारे में है ना। तो हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम है, जजेस हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो रोल होता है जुडिशरी का वो क्या होता है, जजेस का रोल क्या होता है। तो कोर्ट्स टेक डिसीजंस ऑन वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज़। कोर्ट्स जो हैं वो बहुत सारे चीज़ों पर अपने डिसीजंस देती हैं, और दे कैन डिक्टेट दैट नो, ये कह सकती हैं कि कोई भी टीचर बच्चों की पिटाई नहीं करेगा, और जो रिवर्स हैं वो किस तरीके से उनका पानी बटेगा दो स्टेट्स के बीच में, किस क्राइम के लिए कितनी सजा दी जाएगी। तो ब्रॉडली जो है हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जुडिशरी के काम को। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो पार्ट है ना, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू, ये UPSC में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जुडिशियल रिव्यू से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं UPSC के लिए। क्लास 8th 9th, ये दो बुक्स 8th 9th 11th 12th, इनकी बुक्स ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनफैक्ट लक्ष्मीकांत से भी ज़्यादा। खैर देखिए, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन, ठीक है। मतलब क्या है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट होता है लड़ाई या फिर झगड़े, लड़ाई झगड़े, रिजोल्यूशन मतलब होता है उनको ठीक कर देना। तो जुडिशरी का जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है यही होता है ना, कि लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ इश्यूज हो गए, तो जुडिशरी के पास, पहले पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस केस को सॉल्व करती है, केस पर डिसीजन नहीं लेती है पुलिस, डिसीजन लेने का काम तो जुडिशरी का होता है। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, मान लीजिए सिटीजन्स के बीच में, दो सिटीजन्स के बीच में लड़ाई हो जाए, ठीक है, या फिर सिटीजन या फिर सरकार के बीच में, कैसे कि मतलब सरकार ने कुछ अन्याय कर दिया है किसी के साथ, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे केसेस होते हैं, अभी इसी के केसेस में ना, मतलब इसी चैप्टर में हम काफ़ी सारे केसेस देखेंगे कि किस तरीके से वर्सेस स्टेट या फिर वर्सेस गवर्नमेंट केसेस चल रहे होते हैं। तो सिटीज़न या फिर गवर्नमेंट के बीच में कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ इश्यूज़ हो जाए, या फिर दो स्टेट्स के बीच में भी खूब लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर स्टेट और सेंटर के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो कोर्ट्स उनका निपटारा करती हैं। तो इनका पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू, सेकेंड का काम है मेन जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू में क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी ऑल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज। तो जो फाइनल इंटरप्रेटर होता है, कि भाई इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उस चीज़ को समझना, समझ के उसका मतलब बताना। तो इंटरप्रिटेशन करने का काम जो है वो जुडिशरी का होता है। किसको इंटरप्रेट करना, हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी का होता है। जुडिशरी के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी कानून को, मतलब हमारी पार्लियामेंट जो है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, उन्होंने कोई भी कानून बना के पारित कर दिया है, ठीक है, अगर जुडिशरी को लगता है कि ये कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो एक ऐसी वेग चीज़ है, मतलब आज तक इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी है जुडिशरी ने, मगर टाइम टू टाइम जजमेंट के साथ साथ वो हमें बताती रहती है कि किस तरीके से जुडिशियल, मतलब जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर से क्या समझती है। तो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये जुडिशरी ने कुछ कुछ जजमेंट्स में बताया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आप वो नहीं छीन सकते हैं, है ना, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस तरीके की चीज़ें आप नहीं छीन सकते हैं, या फिर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आप उनको नहीं बदल सकते, राइट टू वोट नहीं छीन सकते। तो यही चीज़ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो देश है वो क्या है, उसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल विद यूनिटरी बायस, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो मतलब ये है कि जुडिशियल रिव्यू में अगर जुडिशरी को लगता है कि सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जो संविधान के खिलाफ जा रहा है, तो सरकार का उस कानून को जो है, सरकार के कानून को जुडिशरी हटा सकती है, उसको वॉयलेशन कह सकती है कि दिस इज़ इन द वॉयलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और हम इसको रद्द कर रहे हैं, हम इसको हटा रहे हैं इस कानून को, और या तो सरकार दोबारा से ये कानून बनाए या फिर इसमें ऐसे अमेंडमेंट्स करे जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट ना करे। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम लोग ये कहें कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो जुडिशियल रिव्यू में अगर सरकार ने कोई कानून ऐसा पारित करा है जो संविधान के कानूनों के हिसाब से नहीं है, तो जुडिशरी
ठीक है, जजेस उसको कानून को कह सकते हैं कि ये नल एंड वॉइड है, ये आगे नहीं बढ़ेगा और ये कानून आगे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये जुडिशियल रिव्यू होता है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट काम होता है जुडिशरी का, वो होता है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको एक तरीके से प्रोटेक्टर कहा गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो सुप्रीम कोर्ट का या फिर सारे जो कोर्ट्स हैं उनका काम है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराना, और जो भी लॉ हमारे देश में चल रहे हैं उसका कोई उल्लंघन ना करे, कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको सजा दी जाए, ये देखना भी काम होता है जुडिशरी का। तो हर सिटीज़न जो है इंडिया का वो अप्रोच कर सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर हाई कोर्ट जा सकता है अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, मतलब हनन हुआ है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है कि उसके साथ भेदभाव किया है, उसके साथ इक्वालिटी नहीं हुई है, इक्वालिटी नहीं दी गई है उसे, या फिर किसी भी तरीके की। चैप्टर वन है ना आपका, उसमें फंडामेंटल राइट्स है, उसमें हमारा फर्स्ट जैसे फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15, ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा राइट टू इक्वालिटी दिया गया है हम लोगों को। फिर हमें जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है हमारे पास, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ है, एजुकेशन है, यानी तो बहुत सारे राइट्स हमें दिए हुए हैं। अगर वो फंडामेंटल राइट्स हमको नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा कर के या फिर बाकी किसी कोर्ट में जा कर के केस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 7th क्लास की बुक में भी पढ़ा था कि जैसे कि हाकिम शेख जो कि एक एग्रीकल्चरल लेबर था, वो मतलब एक चलती हुई ट्रेन से गिर जाता है तो उसको मतलब चोट लग जाती है, उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मगर काफ़ी सारे हॉस्पिटल में उसको ले जाते हैं, हॉस्पिटल उनको एडमिट करने से मना कर देते हैं। अब ये फिर फाइनली एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है और फिर उनसे बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करी जाती है उसकी, फिर वो जो है ना ठीक हो जाते हैं। बट इसका केस फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। इस कोर्ट जब ये पूरा केस चल रहा था, ये केस था पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये देखिए स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल सरकार के खिलाफ केस किया गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने इंसान को राइट टू लाइफ ही नहीं दिया, मतलब वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जा रहा है, कोई उसका इलाज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इलाज ही नहीं कर रहा है तो राइट टू लाइफ कहाँ से हो गया हमारे पास, मतलब सरकार की ये कमी है। इसलिए जो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति थी उसने सरकार के खिलाफ केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस की सुनवाई करी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से केसेस कहाँ पर आते हैं, तो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस सुन रही थी उस समय कहा कि राइट जो है हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ हमें दिया गया है, वो हर किसी का फंडामेंटल राइट है, और राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ भी है। भाई आपकी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो आपकी लाइफ कैसी ख़राब होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से कहा कि कंपनसेशन दिया जाए, कंपनसेशन मतलब मॉनिटरी रिलीफ टाइप का, मतलब कुछ पैसे दिए जाएँ जो कि लॉस सफ़र किया है उसकी हेल्थ को, मतलब जो मजदूर था बेचारा वो ट्रेन से गिर गया था, दर दर उसको हॉस्पिटल्स में भटकना पड़ रहा था, तो उसकी हेल्थ को जो नुकसान पहुंचा है उसका कंपनसेशन कौन देगा? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देगी। इस वाला ये वाला जो जजमेंट है ना पश्चिम बंगाल ये वाला खेत मजदूर समिति वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल, इससे हम लोगों को कौन सा फंडामेंटल राइट का एक और कंपोनेंट पता लगा, राइट टू लाइफ में, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ भी आता है, ये हमें इस वाली जजमेंट से पता लगा था। अब इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफ़ी अच्छा फैक्ट बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश की गई थी। ये हमारा रिपब्लिक डे था पहला, लाइक इट्स प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मतलब इससे पहले जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था। फेडरल कोर्ट कब बनाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्या छोड़िए इस फिलहाल 8th क्लास के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो फेडरल कोर्ट जो है वो 1937 में बनाया गया था। 1937 से लेकर के 1949 तक जो है फेडरल कोर्ट की तरह इसने एक्ट किया। फिर 26 जनवरी 1950 में ये क्या बन गया? हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट बन गया। अर्लियर कहाँ पर ये लोकेटेड था? पार्लियामेंट, जहाँ पर है ना पार्लियामेंट में एक चेंबर ऑफ प्रिंसेस हुआ करता था वहीं पर सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, मतलब फेडरल कोर्ट हुआ करता था। फिर उसके बाद आज जो इसकी प्रेजेंट लोकेशन है वो 1958 में जो प्रेजेंट लोकेशन है इसकी सुप्रीम कोर्ट की मथुरा रोड न्यू दिल्ली पर, वहाँ पर इसको प्रोवाइड की गई। तो जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो कब इस्टेब्लिश हुआ? 26 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा।
अब व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, मतलब आप किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, आप किस पे निर्भर नहीं हैं। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी से आप लोग क्या समझते हैं? ऐसी जुडिशरी जो किसी पर निर्भर ना हो, किसी पर मतलब जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी कि सरकार पर निर्भर जो जुडिशरी ना करे वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो जाती है। आप इमेजिन करिए ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसने किसी फैमिली का लैंड हड़प लिया है, अब जुडिशियल सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं कर रहा और पॉलिटिशियन के पास पावर है कि वो किसी भी जज को अपॉइंट जब मन करे कर सकता है, जब मन करे हटा सकता है। तो क्या इस तरीके से देश में किसी की भी संपत्ति या किसी के भी हक सुरक्षित रहेंगे? जो ताकतवर लोग होंगे वो अपनी मर्जी से ऐसे तो देश को चलाने लगेंगे, इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो ताकि हर किसी को न्याय मिल सके। तो टू कंट्रोल दैट पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो अगर उनको जज को अपॉइंट भी वही पॉलिटिशियंस कर रहे होंगे तो पॉलिटिशियंस तो बिल्कुल जज की मानेंगे ही नहीं और जज भी भाई उनसे डरा हुआ रहेगा कि ये तो मेरे को हटा देंगे। इसीलिए हमारे संविधान में जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है, अब वरना क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट नहीं रखा जाता तो हमारे देश के जो रिच और पावरफुल लोग हैं वही जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते रहते। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद को प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, जुडिशरी को प्रोटेक्ट किया है इस तरीके की सिचुएशन से, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। और हमारे किससे हमें पता लगता है? ये हमें पता लगता है सेपरेशन ऑफ पावर से। ये हमने चैप्टर वन में पढ़ा था कि जुडिशरी है एक, हमारे तीन ऑर्गन्स हैं मेनली, ठीक है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी जो है ना वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये इन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। यही और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारा वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, की फीचर है हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका मतलब ये है कि अदर ब्रांचेस जो हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, वो जुडिशरी के काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। कोर्ट जुडिशरी, जो जुडिशरी है ना वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती है, उससे इंडिपेंडेंटली काम करती है। तो इसलिए ये जो अबव सेपरेशन है ना वो अच्छे से अगर वर्क करने के लिए, इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल दैट ऑल जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फॉर दीज ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए ताकि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली ही काम करती रहे, इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, मतलब जो उनमें जजेस अपॉइंट होते हैं, मतलब अपॉइंट होने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो अपना एक एग्ज़ाम क्लियर करके जज बनते हैं, फिर उसके बाद उनके प्रमोशन्स होते जाते हैं ना, तो उनकी प्रमोशन किसका होगा, किस बेसिस पे होगा, इसमें गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए ना वो कम से कम होना चाहिए। अगर रोल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर तो वही जजेस उनका फेवर करने लगेंगे गवर्नमेंट का, कि भाई हम इनको कुछ फ़ायदा करवा देते हैं तो हमारा प्रमोशन कर देंगे। तो इसलिए ना कम से कम इन्फ्लुएंस होना चाहिए जुडिशरी में गवर्नमेंट का, ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रह सके, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर करने की पूरी कोशिश करी है। तो इंडिपेंडेंस जो होती है ना जुडिशरी की, वो अलाउ करती है कोर्ट्स को काफ़ी सेंट्रल रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, मतलब जस्टिस सिस्टम में ओवरऑल, ताकि कोई भी मिसयूज ना हो सके पावर का, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, मतलब सरकार, आप समझ लीजिए सरकार या जो नेता वेता है ना, ये कोई भी मिसयूज ना कर सके जुडिशरी का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा गया है कि जो ये जुडिशरी है वो देश के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगी। आगे आता है कि व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, जो कोर्ट हैं उनके स्ट्रक्चर किस प्रकार से होते हैं हमारे देश में। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल सा बना रखा है, सबसे ऐसा होता है, सबसे होता है नीचे लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट्स होती हैं जिनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं या फिर तहसील होती हैं। फिर इसके ऊपर आता है हमारा, सबसे नीचे होती हैं लोअर कोर्ट्स, सबसे ऊपर होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, फिर जो बीच में होती है ना इनको हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो होती है ना वो अलग अलग स्टेट्स की होती है, जैसे कि हर स्टेट की लगभग एक हाई कोर्ट है हमारे देश में, जो यूपी की कहाँ पर है, यूपी की प्रयागराज में है, और प्रयागराज जिस पहले इलाहाबाद था नाम जिसका, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो नैनीताल में है। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग जो है
हाई कोर्ट्स हैं। अब आपको अगर पता है तो आपको एक बात हमें बतानी है, शायद चैप्टर में भी आ ही जाएगा, वैसे तो नहीं आया तो आप बताएंगे कि इकलौती यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपनी खुद की कोर्ट है, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास खुद की अपनी खुद का अपना हाई कोर्ट है, तो आप बताइए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, तो तीन डिफरेंट लेवल्स हैं, हमने देख लिए हमारे देश में जुडिशरी के, जो मतलब कोर्ट्स के तीन लेवल होते हैं, सेवरल कोर्ट्स, काफ़ी सारी कोर्ट्स होती हैं हमारे लोअर लेवल पे, और एपिक्स मतलब लोअर जो लेवल होता है ना उस पर काफ़ी बहुत सारी कोर्ट्स होती हैं, बट टॉप पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ही है और वो दिल्ली में है। तो कोर्ट्स, द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर कॉल्ड सबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सबॉर्डिनेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है ना, सबसे ज़्यादा लोगों का काम वहीं पर पड़ता है। दे आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट में या फिर तहसील में होती हैं, और इन टाउन्स एंड दे हियर मैनी काइंड ऑफ केसेस। तो तहसील में, शहरों में है ना, काफ़ी सारी कोर्ट्स मतलब कोर्ट होती हैं शहरों में या फिर जिलों में होती है, फिर उसके बाद कैपिटल्स में होती हैं हमारे देशों की, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में। हर स्टेट जो है, हर जो राज्य होता है, आपको पता है कई सारे जिलों में, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जज। तो हर जो है डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होता है, कोर्ट होती है उसमें डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ईच स्टेट, हर स्टेट में हाई कोर्ट भी होती है जो कि उस स्टेट की हाईएस्ट कोर्ट होती है, और सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होती है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। और उनके हेड कौन होते हैं, जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के हेड का हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो डिसीजन जो कि सुप्रीम कोर्ट लेती है ना, मतलब सबसे टॉप पे जो डिसीजन लिए जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बाकी इसके नीचे जितनी भी कोर्ट्स आती हैं, ठीक है, हाई कोर्ट और बहुत सारी सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबको जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले रही है ना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सारी की सारी कोर्ट्स को मानने पड़ते हैं। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजन मान्य होते हैं। अब ये देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक आता है हमारा पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब पीस मिले सबको, शांति रहे, जस्टिस मिले, न्याय मिले, और हमारे देश के इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो। हाई कोर्ट ऑफ मद्रास का ये हमारा फोटो है। अब ये वाला जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, हाई कोर्ट्स फॉर फर्स्ट, हाई कोर्ट्स जो हैं सबसे पहले इस्टेब्लिश कब हुए थे, इन द प्रेसिडेंसीज ऑफ कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास इन 1862। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1862 का, उसके थ्रू ही कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के जो हाई कोर्ट्स हैं वो 1862 में बोला गया था कि एस्टैब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, अब हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, देखिए आंसर ये है कि ओनली यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपना हाई कोर्ट है वो है दिल्ली। दिल्ली का हाई कोर्ट बना था 1966 में, और करंटली देर आर 25 हाई कोर्ट्स हैं। काफ़ी सारी स्टेट्स का के पास अपना खुद का हाई कोर्ट है, और पंजाब और हरियाणा एक ही हाई कोर्ट शेयर करते हैं जो कि चंडीगढ़ में है। चार नदर्न इंडियन स्टेट्स हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम की कैपिटल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, हैव सेपरेट कोर्ट्स। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो कोर्ट है वो अमरावती में है, और तेलंगाना जो है उसका कोर्ट हैदराबाद में है। 1 जनवरी 2019 से इनको अपने अलग अलग कोर्ट्स मिल गए हैं। सम हाई कोर्ट्स हैव ब्रांचेज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी। तो कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि हाई कोर्ट सिर्फ कैपिटल में नहीं है, हाई कोर्ट की अलग अलग ब्रांचेज अलग अलग जगह पर भी हैं उनके प्रदेश में। तो इसमें आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर, क्या ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इसका आंसर है येस। क्यों? क्योंकि जो हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही है वो सब पे बाइंडिंग होता है, सबको मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट टॉप लेवल की कोर्ट है हमारे देश में। तो इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, हमारे देश में जो जुडिशियरी का सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब है कि जो हायर लेवल पे कोर्ट डिसीजन ले रही है वो बाइंडिंग है लोअर कोर्ट्स पर, मतलब लोअर कोर्ट्स को मानने पड़ेंगे हाई कोर्ट्स के। हाई कोर्ट का मतलब सबसे बड़ी कोर्ट नहीं है, सबसे बड़ी कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके डिसीजन हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को मानने पड़ेंगे, और जो हाई कोर्ट के डिसीजन है वो लोअर कोर्ट्स को मानने पड़ेंगे। अनदर वे इस चीज़ को इस तरीके से आप समझा जा सकता है बाय एपीलिएट सिस्टम। एपीलिएट सिस्टम जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है, इसका ये मतलब है कि अगर किसी इंसान ने लोअर कोर्ट में कोई इंसान गया, ठीक है, लोअर कोर्ट यानी कि सबॉर्डिनेट कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, या फिर तहसील बोलते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट में किसी ने अपना केस लड़ा, वो केस हार गया, तो वो हाई कोर्ट जा सकता है।
फिर हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ अपील कर सकता है ना, तो इसीलिए इसको अपीलिएट सिस्टम बोला जाता है। दिस मीन दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट। तो इसका मतलब ये है कि पर्सन जो है वो अपील कर सकता है अपने से जिस कोर्ट में उसने अपील किया है उससे बड़ी कोर्ट में, अगर उसको लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपीलिएट सिस्टम। अपीलिएट सिस्टम का क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ये रियल सच्चा एग्जांपल है। तो स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। तो यहाँ पे भी देखिए सरकार के खिलाफ है, मतलब सरकार के नाम से भी वो वाले केस चल जाते हैं जो जिसमें इस तरीके का अन्याय हुआ होता है, जो अन्याय पूरे समाज के खिलाफ एक तरह से होता है। तो फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार थे मैरी 20 ईयर ओल्ड सुधा गोयल। तो लक्ष्मण कुमार थे, उनकी शादी हुई सुधा गोयल से, वो दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, लक्ष्मण के ब्रदर्स भी रहते थे और उनकी फैमिलीज़ भी वहीं पर रहती थी। फिर उनकी शादी हुई फरवरी 1980 में और 2 दिसंबर 1980 को सुधा की डेथ हो गई हॉस्पिटल में बर्न्स की वजह से, मतलब उनको जलने की वजह से सुधा की मौत हो गई हॉस्पिटल में। सुधा की फैमिली ने कोर्ट में जो है केस किया, तो ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा था, तो 4 पड़ोसियों के बयान लिए गए, विटनेस के तौर पे उन्हें बुलाया गया। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर की रात को सुधा के स्क्रीम करने के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी लक्ष्मण के एंड हैड फोर्स देयर वे इनटू लक्ष्मण्स फ्लैट। तो सुधा के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी तो पड़ोसी जो है वो उनके फ्लैट में चले गए, मतलब तो देखा कि सुधा जो है सुधा की साड़ी में आग लगी हुई है और दे एक्सटिंग्विश द फायर बाय रैपिंग सुधा इन अ गनी बैग एंड अ ब्लैंकेट। तो पड़ोसियों ने मतलब सुधा की आग बुझाई। सुधा ने बताया उनको कि उनकी सास ने उन पर केरोसिन डाला और सुधा के पति ने सुधा को जला दिया। तो मतलब सुधा को उसकी सास ने और उसके पति ने जला के मारने की कोशिश की थी और सुधा की डेथ भी हो गई थी, और पड़ोसियों ने आकर के उसकी आग बुझाई थी, हॉस्पिटल पहुँचाया था, बट उससे पहले सुधा ने बता दिया था पड़ोसियों को कि उसकी सास और पति ने उसको जलाया है। तो सुधा की फैमिली ने और नेबर्स ने काफ़ी सारे मतलब बयान दिए कि सुधा को टॉर्चर किया जाता था उनके ससुराल वालों के द्वारा, वो के मतलब दहेज के लिए कि स्कूटर फ्रिज मांग रहे थे वो उनके, जब पहले बच्चे का बर्थ हुआ था उसके बाद वो स्कूटर और फ्रिज मांग रहे थे। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण की मदर ने कहा कि भाई हमने नहीं जलाया, सुधा की साड़ी में तो खुद ही आग लग गई थी जब वो बच्चे के लिए मतलब जब वो दूध गर्म कर रही थी तो उसकी साड़ी में आग लग गई थी। इसके बेसिस पे और अदर एविडेंस के बेसिस पे जो ट्रायल कोर्ट थी उसने मतलब लोअर कोर्ट जो थी उसने शकुंतला मतलब सुधा की सास और उसके पति को और पति के भाइयों को सबको जो है ऑल वर सेंटेंस टू डेथ, मतलब सबको मौत की सज़ा सुना दी थी। फिर वो लोग उनको लगा कि उनके साथ तो मौत की सज़ा मिल गई उन्हें, तो उन्होंने लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील करी। तो ये अपीलिएट है ना, अपील कर दी। तो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को जो है हाई कोर्ट ने कहा कि भाई सुधा जो है एक्सीडेंट की वजह से मरी थी और सबको एक्विट कर दिया। एक्विट कर दिया मतलब बरी कर दिया, छोड़ दिया, मतलब लोअर कोर्ट ने कहा था, लोअर कोर्ट ने तो डेथ सेंटेंस दे दिया मौत की सज़ा, और हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई सुधा तो एक्सीडेंट की वजह से मरी है, ये सारे के सारे इन्होंने कुछ नहीं किया है और सबको छोड़ दिया, एक्विट कर दिया। ये देखिए कोर्ट्स में कभी कभी इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती हैं। फिर आगे देखिए, फिर उन्होंने क्या किया, फिर काफ़ी आप लोगों ने विमेन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था 7th क्लास की बुक में, है ना, कि किस तरीके से 1980s के टाइम पर जो विमेन पे अत्याचार होते थे, विमेन मूवमेंट ने काफ़ी सारी जो डॉरी डेड्स होती थी काफ़ी लड़कियों को दहेज के चक्कर में मार दिया जाता था। तो दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। तो वो काफ़ी मतलब कोर्ट के खिलाफ भी नारी आंदोलन हुआ करते थे कि किस तरीके से औरतों के साथ न्याय नहीं किया जाता है, जबकि उनको दहेज के नाम पे मार दिया जाता है, फिर भी उनके ससुराल वाले और वो लोग जो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हाई कोर्ट का जो ये डिसीज़न था ना कि ऐसे ही उसको छोड़ दिया गया, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और सबको इस डिसीज़न ने। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है थ्रू इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर इस केस को ले जाया गया। फिर 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने जो लक्ष्मण को और एंड द टू मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ये मतलब इनके खिलाफ दोबारा से केस ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो लक्ष्मण को और उसकी माँ को तो सज़ा दे दी गई उम्र कैद की अगेंस्ट है, मतलब प्रूफ हो गए सास जो थी उसकी सुधा की और उसके पति की अगेंस्ट, तो एविडेंस प्रूफ हो गए, उनको जीवन भर की प्रिजन फॉर लाइफ पूरी ज़िंदगी की सजा दे दी गई। मगर उसके जो दो भाई थे मतलब सुभाष के,
सुभाष मतलब उसका सुधा का पति जो था, सुधा के पति के भाइयों को तो छोड़ दिया गया, मगर उसको सुधा के पति को और उसकी सास को, उन दोनों को लाइफ टर्म की प्रिजन दे दी गई, मतलब उम्र कैद की सज़ा उनको मिली। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। और फिर हमने इस केस में ये भी समझा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सबसे टॉप लेवल की जो कोर्ट होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट, और उसमें के डिसीज़न ही फाइनल होते हैं। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट इज़ मोर कॉमनली नोन बाय मैनी डिफरेंट नेम्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, कहीं इन्हें ट्रायल कोर्ट कहते हैं, कहीं इन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है, कहीं इनके जजेस को एडिशनल सेशन जज कहा जाता है, कहीं पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है, कहीं पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, तो कहीं पर सिविल जज। अलग अलग नामों से सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है। 25 मिनट का हो गया वीडियो, तो देखिए अब एक और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अब आगे का चैप्टर, क्योंकि फिर काफ़ी बचा हुआ है चैप्टर, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, है ना। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।